नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, तो इसी बीच अब बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार भी प्राप्त हुआ है। तो वहीं बस में कुल 35 लोग सवार थे। तो क्या ये तमाम खबर रहने वाली है, आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो चंबा पठानकोट NH पर पंचपुला में सड़क धंसने से हवा में लटकी पंजाब रोडवेज बस, 35 यात्री थे सवार। हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंचपुला के समीप आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचपुला में NH का एक बड़ा हिस्सा मूसलाधार बरसात के बीच आज तड़के भूस्खलन की जद में आकर धंस गया। सड़क चूंकि तड़के ही क्षतिग्रस्त हुई थी, ऐसे में वाहन चालकों को इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। वहीं आज सुबह डलहौजी से पठानकोट जा रही पंजाब रोडवेज की बस सुबह करीब 7:45 बजे जब पंचपुला के समीप पहुंची, तो वहां काफ़ी ज़्यादा धुंध होने के कारण बस चालक को सड़क के धंसे होने का पता नहीं चल पाया और बस क्षतिग्रस्त सड़क के किनारे होकर गुजरती हुई अनियंत्रित होकर खाई की ओर लुढ़कने लगी। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बस किस प्रकार से लटकी है। तो आगे बात करेंगे, बस के अगले पहिए खाई की ओर हवा में झूल गए। बस में सवार करीब 35 से 40 यात्रियों में चीखों पुकार मच गई। बस चालक ने किसी तरह से बस को नियंत्रित किया और चालक व परिचालक ने सवारियों को फौरन बस के पिछले दरवाजे से उतर जाने को कहा। छोटे बच्चों के साथ महिला यात्री व अन्य यात्री चीखते चिल्लाते हुए बस से उतरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी यात्रियों को सुरक्षित बस से निकालने में सहयोग दिया। गनीमत रही कि बस खाई में गिरने से बच गई, अन्यथा यहां बड़ा हादसा घटित हो सकता था। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में चंबा पठानकोट NH पर पंचपुला में सड़क धंसने से रोडवेज की बस हवा में लटक गई। वहीं गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं बस में कुल 35 लोग सवार थे। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।